नमस्कार दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी से कह देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सभी के काम की चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लगातार आपके कॉमेंट्स आते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या अब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करें तो हमारा कंप्लीट सिलेबस हो पाएगा। यानी सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि हम सिलेक्शन वाला सिलेबस, हमारा सिलेक्शन जैसी तैयारी हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में हमें बताएं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, जैसा कि आज ही अपडेट आई है कि आपका सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा। अगर नहीं पता, वैसे मैंने वीडियो बना दिया था, तो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपका दिसंबर के अंदर होगा और 17 से 24 दिसंबर के बीच में ये तारीख तय की गई है। पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड और उसके बाद थर्ड ग्रेड आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो अब मेन चीज़ वही है कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर चुके हैं, यानी लगातार सर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तैयारी जिन्हें एक महीना हुआ है तैयारी करने को, तो कह रहे थे कि सर क्या तैयारी छोड़ दें, हम रीट की कर लें, उसमें वैकेंसी ज़्यादा है। तो एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि जितने बड़ी आप वैकेंसी की तैयारी करते हैं उतनी, यानी जितनी बड़ी बड़ी आप बढ़ते जाएंगे उसमें कंपटीशन आपको छोटी वैकेंसीज के बजाय ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, थर्ड ग्रेड के अंदर बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा सेकंड ग्रेड के मुकाबले, सेकंड ग्रेड में कम होगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर और भी कम होता है। तो आपने हमेशा ही बड़ी वैकेंसी की तैयारी करने की ही सोचनी चाहिए, उसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा। और आप देख सकते हैं फॉर्मों की संख्या भी देख सकते हैं, रीट के अंदर करीब करीब 17 लाख फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, वहीं सेकंड ग्रेड के अंदर 11 लाख, यानी 6 लाख का डिफरेंस सीधा का सीधा यहां पर आ गया है। तो ये आप हमेशा यही थिंक रखनी चाहिए, बड़ी चीज़ की आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन कम आपको देखने को मिलेगा। और वहीं चीज़ें आ जाती हैं कि सर सीटें थर्ड ग्रेड के अंदर ज़्यादा हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर कम है। तो मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको कॉमन चीज़ें पहले तैयार करनी चाहिए जो कि आपके दोनों पेपर के अंदर काम आए। अब फिलहाल आप देखिए, रीट की भी तैयारी करनी है आपको, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि दोनों छोड़ दें, क्योंकि दोनों चीज़ें आप बैलेंस के रूप में, और ये भी बताया कि दोनों साथ में कैसे तैयारी कर सकें, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब बात है कि जो स्टूडेंट अब तैयारी करना चाहते हैं, अब तैयारी सेकंड ग्रेड की करना चाहते हैं तो क्या उनका सिलेबस होगा, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, अब आपके पास काफ़ी टाइम है, पहले कह रहे थे दिसंबर के अंदर आपकी वैकेंसी होगी सेकंड ग्रेड, लेकिन अब देखिए डेट भी फिक्स हो चुकी है, लगभग कंफर्म संभावित तिथि कह दिया है, इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला। तो आज की तारीख मिलाकर देखें तो करीब करीब आपके पास साढ़े छः महीने से ज़्यादा ही पड़े हैं, लगभग 7 महीने के आसपास आपके पास समय पड़ा है, और 7 महीने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक सफिशियंट टाइम है। आप 4 महीने के अंदर आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं, 3 महीने आप उनमें रिवीजन कर सकते हैं, तो एक आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी अगर आप आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आज से स्टार्ट करते हैं तो 7 महीने बहुत हैं तैयारी करने के लिए, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। और अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स से हैं तो मैथ्स का पूरा कंप्लीट कोर्स ही मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई कोर्स नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। अगर लेयर का है तो भी क्लास आप ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको अलग यहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है यूट्यूब पर, नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती है। तो एक बार लिंक आपको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ मैं, तो सब कुछ आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों मैथ्स की प्लेलिस्ट है, बीएससी वाला भी चल रहा है, 11th 12th वाला भी चल रहा है, और जल्द ही हम हमारा कंप्लीट सिलेबस भी कर लेंगे। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, जो आज से तैयारी कर रहा है वो तैयारी स्टार्ट कर दो, निश्चित रूप से आपकी एक मजबूत तैयारी हो जाएगी। और हमारे द्वारा आप हमसे जुड़ते हैं यूट्यूब चैनल से, तो आपकी सेकंड ग्रेड मैथ की एक परफेक्ट तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।